हुए हादसे पर अब छलका है मधुरिमा तुली का दर्द। मधुरिमा ने एक इंटरव्यू में बताया कि बिग बॉस 13 के बाद उन्हें कुछ प्रोजेक्ट्स ऑफर तो हुए, लेकिन चैनल वालों ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। चैनल ने कहा कि मधुरिमा को हम अभी नहीं ले सकते, मधुरिमा की छवि बहुत नेगेटिव हो चुकी है। वेल, मधुरिमा तुली ने इसी पर ही बात करते हुए कहा कि घर के अंदर पहले विशाल आदित्य सिंह ने मेरे ऊपर पूरे जोर से पानी फेंका था, और वो भी मेरे मुंह पर। अगर कोई आपके मुंह पर पानी फेंकेगा, वो भी पूरी जोर से, तो आपको गुस्सा आएगा ही, आप रिएक्ट करेंगे ही। मेरा रिएक्शन बहुत बुरे तरीके से निकला और मैंने वो कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मधुरिमा ने कहा कि मुझे बिग बॉस सीजन 13 में पार्टिसिपेट करने का अफसोस नहीं, बल्कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं क्यों अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई। मधुरिमा ने आगे ये भी कहा कि विशाल और मैं इस सिचुएशन में हम दोनों थे। पहले विशाल ने मेरे ऊपर पानी फेंका था, पहले विशाल ने मुझे पोक किया था, लेकिन इन सब की सजा सिर्फ मुझे मिली। जिसे काम नहीं मिला वो सिर्फ मैं थी। एक्ट्रेस ने कहा कि मैं कई बार समझ नहीं पाती हूँ कि क्यों हमारी सोसाइटी में सिर्फ महिलाओं को ही सजा मिलती है, सिर्फ महिलाओं को ही दबाया जाता है। पर बात तो सही है, विशाल आदित्य सिंह को जहाँ उसी चैनल पर एक सुपर हिट रियलिटी शो ऑफर हुआ, तो वहीं मधुरिमा तुली को कोई भी काम देने को तैयार ही नहीं। जबकि मधुरिमा गलत थी तो विशाल आदित्य सिंह भी सही नहीं थे।